देखिए, शंकु और बेलन से संबंधित सवाल भी आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप क्या करेंगे? शंकु और बेलन को भी तैयार करेंगे? तो आज इस वीडियो में शंकु या बेलन से रिलेटेड प्रश्न बताए जाएंगे। दो ही सवाल बताए जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में भर दिए जाएंगे। आपको 100 का 100% समझ में आ जाएगा, ऐसा सोच करके मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको भी इसको 100% समझना है, तो आप ऐसा ही सोच करके आप इस वीडियो को देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। लेकिन इसके पहले एक बात और, कि नए लोग जो भी चैनल पर आ गए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बटन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आप इस तरह की वीडियो लगातार पढ़ते रहें। आप सवाल देखिए ध्यान से। एक बेलन का आयतन 88 घन सेमी। एक बेलन का आयतन 88 घन सेमी। क्या कहा गया? कहा गया कि आयतन इसका कितना है? 88 घन सेंटीमीटर। क्लियर? फिर बोला गया कि बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया? तो बेलन की ऊंचाई होगी कितनी? तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? एच का वैल्यू पूछा गया। बड़ा ही आसान सवाल है। आपको यदि बेलन के आयतन का सूत्र याद है, तो आयतन के ठीक नीचे आयतन का सूत्र लिख दीजिए। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर लिखिए 88। पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ से ले लीजिए 2, 2 पर स्क्वायर हो जाएगा 4, गुणे एच बराबर 88। होशियार स्टूडेंट क्या करेंगे? 22 चौक 88 और इधर भी 88, तो 88 88 काट लेंगे। एच बराबर इधर इंटू 1, तो अपने मन से लिख सकते हैं ना, 7 का गुणा यहाँ करेंगे, 7 एकम 7, एच बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए कौन से विकल्प में है सही। विकल्प नंबर डी वाला सही हुआ। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से इसका जवाब आपको मिल गया। अब ऐसा ही एक सवाल और समझते हैं और आनंद के साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर इस तरीके से, 50 चैप्टर कम्प्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सलूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है? आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गाँव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सोचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन।
एक बेलन का आयतन 1540 घन सेमी है, फिर दे दिया आयतन 1540। यहाँ लिखिए आयतन बराबर 1540 घन सेंटीमीटर। फिर क्या है, ऊंचाई 10, बेलन की त्रिज्या कितना, ऊंचाई मतलब h की वैल्यू 10 है तो त्रिज्या r का मान कितना है बता दो। तो मैंने आपको जो बात पिछले वीडियो में बताया है वही बात इसमें भी बताऊंगा। आयतन के नीचे आयतन का सूत्र लिख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1540। पाई का मान 22/7, आर का मान निकालना है, एच का मान कितना दिया 10 बराबर 1540। तो 0 0 काट लिया आपने, 11 से इसको और इसको काट दीजिए, 11 2 22, 11 कम 11 11 4 44। अब 2 से 14 काट लीजिए, 7, 7 का 7 में गुणा आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। देखा आपने कैलकुलेशन कितना आसान होता जा रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, बशर्ते सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा तो सारा काम आसान होगा, सूत्र याद नहीं रहेगा तो सारा काम कठिन हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।